अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी रहल और रहल बॉक्स बनाना। मैंने जो लास्ट रहल बनाई थी उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका बॉक्स बनाना भी बताएं। मैं आपको बता देती हूँ, इसके आगे जो बॉक्स का हुक है, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया था पहले ही। रिमूव करके और मैंने इसको साइडों पर, ये आपको पेपर टेप नज़र आ रही होगी, 2 इंच की पेपर टेप है, ये मैंने साइडों पर इस तरह करके लगा दिया अच्छे से। खाली आपने इसको इस तरह से करके सेटिंग कर देनी है, ठीक है। जो मैंने इसके अंदर जो रेजिन है मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। और अब ये मैंने 200 लिया है हार्डनर और 400 मैंने इसको में लिया है रेजिन, क्योंकि 200 200 एंड 200, ठीक है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा रेजिन जो है एक कप में ग्लास में डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें पिगमेंट्स ऐड करूँगी, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़े को मिक्स करूँगी और इसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैं जो है बाकी अपना ऐड करूँगी, ठीक है। मैं जो वाइट पिगमेंट है ये ऐड कर रही हूँ पहले, ठीक है। बिल्कुल प्योर वाइट, बहुत खूबसूरत कलर है ये, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कर रही हूँ, इसकी येलविश टोन है, बिल्कुल लाइट गोल्ड है ये कलर। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, जो मेरा रिक्वायर्ड शेड है, अगर वो रिक्वायर्ड शेड आ जाता है, ठीक है, तो मैं इसमें मज़ीद जो रेजिन है वो ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें कलर्स थोड़ा चेंज करूँगी। ये मेरा रिक्वायर्ड शेड है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत खूबसूरत लाइट बिल्कुल क्रीम सा कलर आया, बहुत खूबसूरत जो कलर मुझे चाहिए, ठीक है, वैसे ही कलर है। मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया, अब हमने इसमें बाकी जो रेजिन है, ठीक है, रेजिन भी और डाल देना है। जब आप दो कलर मिक्स करते हैं ना, आपको ये लाइंस में नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको दिखा सकूँ तो, ये पे जब आप पैटर्न्स इस पे बनाते हैं ना तो ये पैटर्न्स बहुत खूबसूरत आते हैं उस पे, क्योंकि वाइट और लाइट गोल्ड मिक्स है, तो वो फिर ऑब्वियसली जो कलर्स हैं वो आपस में जब वो मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा यूँ पैटर्न्स देते हैं तो वो बहुत खूबसूरत पैटर्न्स उसके ऊपर बन जाते हैं। साइड पर सबसे पहले ये पोर करना शुरू करती हूँ थोड़ा सा टूथपिक के साथ। आपने अच्छे से इसके जो एजेस हैं वहाँ पर आपने इसको अच्छे से एजेस के ऊपर आपने इसको रिमूव करना है, ताकि अगर कोई बबल हो तो वो इजीली बाहर आ जाए, पॉप आउट हो जाए, ठीक है। ये देखें सारे बबल्स ऊपर आ गए हैं। आप इसको जब सिंपल आप इसको हीट गन के साथ आप इन बबल्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करें हल्का सा और अब हमने इसको पोर करना शुरू करना है। जब बॉक्स के ऊपर भी आपने इस तरह से डाल देना, ठीक है। अच्छा, बॉक्स को ना मैंने पहले ही कल ही मैंने इसको जेसो लगा के और अच्छे से प्राइम करके मैंने इसको रख दिया था, ठीक है, ताकि ये ड्राई हो जाए और मैं फिर इस पर काम कर सकूं। अब मैंने सिंपल स्टिक लेके, ठीक है, उसके साथ मैंने पैटर्न्स बना देने हैं, ठीक है। आप इस पर पैटर्न्स बना दें अच्छे से। अच्छा, जब आप एक दफ़ा पैटर्न्स बना दें फिर आपने हीट गन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने फिर उसके ऊपर टॉर्च गन यूज़ करनी है। आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहें पैटर्न्स बना लें, मुझे इस तरह के पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, सिंपल डूडल्स वाले, तो मैं यही पैटर्न बनाती हूँ ज़्यादातर। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जिस तरह के चाहें आप उस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब आपने अपनी हीट गन यूज़ करनी है, टॉर्च गन यूज़ करनी है। मैं इसमें थोड़े से पर्ल्स डाल रही हूँ, गोल्डन ये फ्लेक ऑलरेडी है तो मैं वाइट पर्ल्स इसमें डाल रही हूँ। क्या आहिस्ता आहिस्ता खुद इसके अंदर सिंक हो जाएंगे, ठीक है, इसको आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेशक एक पैटर्न के साथ डाल दें, मर्जी है आपकी, अदरवाइज़ आप इसको रेंडम भी डाल सकते हैं। पेटल्स इसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है पेटल्स, क्योंकि उसके ऊपर क्लियर कोट आना है तो वो वैसे ही सेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इसी तरह से पेटल्स जो हैं अपनी सारी तरफ ऐड कर लेने, ठीक है।
जो पेटल्स हैं और पर्ल्स हैं ये मैंने अपनी जगह पे रख दिए हैं, ठीक है। बुक मार्क में से मैंने पर्ल निकाल के रख दिए हैं क्योंकि वो थोड़े से उभरे हुए लग रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। जो बुक मार्क का मैं साइड पे टसल लगाऊंगी उसमें फिर मैं पर्ल डाल दूंगी, तो फिर वो एक अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। अच्छा जी, अब हमारी है ये सेकंड सिटिंग। ये मैंने थोड़ा सा फ्लावर जो था थोड़ा सा उभरा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ से सैंड कर दिया, क्योंकि ओबियसली स्टिकर लगाना था तो वो सही स्टिकर लगता ना, ठीक है। बिल्कुल आपने मिड में स्टिकर लगा देना है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको प्रेस इस तरह से कर देना है। इसकी दो रीज़न होती है प्रेस करने की, एक तो जो फॉइल नीचे जो स्टिकर का ओबियसली वाइनल स्टिकर्स होते हैं वो जो हैं अच्छे से प्रेस हो जाते हैं और उनमें कोई किसी किस्म का बबल नहीं आता और पील ऑफ करने में भी आसानी होती है, ठीक है। पहले इसको पेस्ट कर लेंगे फिर इसको पील ऑफ कर लेंगे। देखिए आप आराम से जैसे यहाँ से उखड़ना शुरू हो आपने इसको वापस यहाँ पर स्टिक कर देना और आराम आराम से पीछे की तरफ आपने इसको खींचते जाना है, ठीक है। ये देखें जैसे वापस ये आ गया, मैं इसको वापस इस जगह पर लेके आऊँगी, चिपक जाएगा तो फिर इसको सिंपल पील ऑफ करूँगी। और जो मैं क्लियर कोट जो है वो मैं इसको दे रही हूँ, क्लियर कोट है। क्लियर कोट के टाइम बेस के टाइम तो फिर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं टेम्परेचर को, लेकिन जो क्लियर कोट है उस पर आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। थिकनेस है वो कम नहीं करनी है, अगर थिकनेस इसकी कम होगी जितना मोल्ड है, ठीक है, आपने उसकी थिकनेस फुल करनी है, ठीक है। अपना रजन सिक्योर करने के लिए आपने किसी कस्टमर का ऑर्डर ख़राब नहीं करना, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका सेल तो हो जाएगा लेकिन कुछ अर्से बाद जैसे ही कस्टमर यूज़ करना शुरू करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा तो चीज़ सेल हो जाती है लेकिन फिर बाद में जो आपका नाम ख़राब होता है ना वो नाम वापस सही नहीं हो सकता, ठीक है। वो कस्टमर आपके हाथ से जाएगा, उसके अलावा पता नहीं कितने ही पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे जो उनके साथ मुंसलिक होंगे वो भी आपके हाथ से जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी किसी चीज़ की बचत के लिए आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। जो रहल हमारी कंप्लीट है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रेजिन जो है वो एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मुझे इसके जो साइड्स थी वहाँ पर मैंने स्टिक करना था फ्लावर्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो रेजिन था मेरा एक्स्ट्रा वो मैं रेजिन यहाँ पर साइड्स पर सिर्फ पोर कर रही हूँ, ठीक है। बीच में भी मैं पोर नहीं कर रही। गोल्ड फ्लेक्स जो है अपनी पसंद से आप लगा दें, खुद ही स्टिक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि नीचे जो रेजिन है वो क्योर होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया। थोड़े से जो क्रश ग्लास है वो मैं साइड पर डाल रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा जो होलोग्राफिक ग्लिटर है, ये थोड़ा सा होलोग्राफिक ग्लिटर जो है वो मैं पेटल्स के ऊपर यूँ साइड पे यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी जो फाइनल टॉप कोट है, ठीक है, उसे अब करेंगे। अब अच्छा मैं फाइनल जो है इसके ऊपर पोरिंग कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे ना एक जो क्वेश्चन भी आया था वो ये था कि आप जब मतलब आपका कोट जो है वो इतना क्लियर कैसे आ जाता है, रेजिन इतनी स्मूथ कैसे हो जाती है, ताकि आप तो इतना ज़्यादा हीट गन भी यूज़ नहीं करती हैं। देखिए मैं ऑब्वियसली जब काम कर रही होती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा सामने आपको इतना ज़्यादा दिखा नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर 10 मिनट का ट्यूटोरियल बना रही हूँ तो वो 10 मिनट के अंदर ही वो चीज़ बन गई है। ओबियसली उस चीज़ को बनने में जो है वो अपना पूरा टाइम लगता है, 1 आवर, और तकरीबन 1 आवर कभी लग जाता है, कभी 2 आवर्स लग जाते हैं। तो वो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जितना ट्यूटोरियल में दिखाया जा रहा है बस उतना ही टाइम लगे, वो तो सिर्फ आपको जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो दिखाई जा रही होती है। अच्छा जी, अब हमारा अगेन रात का टाइम आ चुका है और ये मेरी जो रहल भी है और बॉक्स है ये दोनों के दोनों ड्राई हो गए हैं, ठीक है। दिन में मैंने चेक किया था ये ड्राई नहीं हुए थे, ओबियसली स्टिकी थे, तो मैंने इनको इसी तरह से छोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग जो अपनी रहल है उसको डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये डीमोल्ड कर रही हूँ अपना बुक मार्क को, ठीक है। आप चेक करें,
सर्दियों में ज़्यादातर जो रेजिन का काम करती हैं उनको आइडिया होगा कि ये ब्लरी इफेक्ट हो जाता है, इतना क्लियर कोट नहीं आता। उसकी रीज़न ये होती है कि सर्दियों में ठंड की वजह से, ये बैक पे भी आप देखें किसी किस्म का कोई बबल नहीं है, बबल फ्री है। ठीक है, तो आप ये मैं आपको बात बता रही थी कि जो नॉर्मली जो रेजिन का काम करती हैं, जब आप भी स्टार्ट करेंगी तो आपको भी आइडिया होगा कि जब आप रेजिन का काम कर रहे होते हो तो जब आप क्लियर कोट देते हो और ठंड की वजह से इसके ऊपर ब्लरी जो है इफेक्ट आ जाता है, या आपका जो रेजिन का टॉप कोट है वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने हीटर चला के रखा था तकरीबन 2 आवर्स के लिए, ताकि जो मेरा फर्स्ट टू आवर्स हैं वो अच्छे से गुजर जाएँ। ठीक है, ये देखें बुक मार्क रेडी है, इसको थोड़े से इसके एजेस हैं वो हम इसको क्लीन कर लेंगे एजेस को। अब हम अपना मोल्ड जो है डी मोल्डिंग करते हैं रेहेल की। हमेशा कभी भी आपने करना है तो हमेशा सबसे पहले आपने एजेस को डी मोल्ड करना है। सारे एजेस को डीमोल्ड करने के बाद जो है इसको आप हमेशा छुड़वा लें अच्छे से इसको, उसके बाद आप इसको आराम से आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आराम से ये उतर जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि रहल कहीं पर अटक जाए तो आप इसको इजीली जो है वो अल्कोहल स्प्रे के साथ आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर आपने इस पर भी रिपीट करना है। ये देखें बैक साइड, आप देखें किसी एक जगह पर भी बबल नहीं आया। आप ये देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ये बैक साइड है, किसी एक जगह पर भी बबल नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि जो टुक टुक पिक के साथ अच्छे से उसको रिमूव किया जाता है। अच्छा, आपने ना बनाते साथ ही इसको जोड़ के एकदम से नहीं रखते ना, आज का दिन भी मैं पूरी रात इसको रखूंगी, कल दिन के टाइम में इसको जोड़ के जो है वो देखूंगी कि इसकी क्या शेप आती है। आपने क्योंकि आपको वैसे नॉर्मली ओबीज उसकी वही सेम रहता है, बस अभी इसके एजेस वगैरह नीट करने हैं। टेप मैंने उतार ली है। ठीक है, अच्छा टेप लगाने की वजह से ना कुछ भी नीचे की तरफ नहीं गया। ठीक है, ये देखें बिल्कुल नीचे बिल्कुल क्लियर है बॉक्स, तो हम सिर्फ हमने ऊपर जो इसके एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं रेजिन के वो हमने क्लियर करने हैं। ठीक है, ये मैं पेन मार्कर जो है यूज़ करती हूँ, 5 mm का ये मार्कर है, को मैंने इसी के साथ इसके एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, बुक मार्क जो है वो मैंने इसको किस तरह से करके रख दिया है। अच्छा, जो एजेस हैं वो मैं इसके साथ करूँगी, जो ऊपर वाले एजेस हैं। ठीक है, और जो साइड्स इसकी हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर इसमें कैप काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मली मैं एजेस नहीं करती होती लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट क्योंकि लेयर ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको जो मेरा मार्कर है उसको खाली मैं एजेस पे करूँगी, और जो मैं भी फ्लोटिंग पाउडर का जो एजेस का पेंट बनाऊँगी वो मैं इस साइड पर करूँगी। ठीक है, अभी सिर्फ जस्ट मैं इसको ऊपर की तरफ ये खाली एक इसकी आउटलाइन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा फ्लोटिंग गोल्ड बनाने का जो तरीका कार है वो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं रहल को किसी बॉक्स के ऊपर रख लूँगी ताकि इजीली इसके जो एजेस हैं वो मैं कलर कर सकूँ। ठीक है, इस तरह से इसके एजेस पे लगाने पे बहुत आसानी होगी। ये नेक्स्ट डे है और आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, इसकी शाइन देखें, और ये मेरा अब तक की मेरी फेवरेट रहल है। ये उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।